सेट या फिर ऑफिस को सेट, हाउसवाइफ है हर चीज में परफेक्ट, तो ऐसी परफेक्ट हाउसवाइफ क्यों बने ह्यूमिलिटी का शिकार, क्यों वो सहे तानों का तिरस्कार, क्यों डिजर्व नहीं करती वो प्यार का पुरस्कार। बस ऐसी ही कुछ बातें हमको बताने जा रहा है एक नया मजेदार गुजराती प्ले हाउसवाइफ थी वो तो तू, और आज हमारे साथ में है उसकी लीड एक्ट्रेस, आपने गेस नहीं किया, अरा धरा हमारे साथ में है केतकी दवे जी। सो वेलकम, स्वागत है केतकी जी आपका मुंबई थिएटर गाइड डॉट कॉम। थैंक यू सो मच, नमस्ते। हम काफी टाइम बाद आपको देख रहे हैं पर थिएटर पे, सो कैसा था ये ब्रेक काफी टाइम तक? टाइम बाद टाइम नहीं लेती हूँ मैं, हमेशा देखती हूँ मैं कि एक साल में एक आध मेरा प्ले आ जाए, कभी दो साल हो जाता है, लेकिन मैं प्ले कॉन्स्टेंट मेरा टच थिएटर के साथ रहता है, मजा आता है मुझे, यहाँ पे कोई अच्छा रोल आ जाता है तो मैं आ जाती हूँ। सो थिएटर इज योर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट लव? माई पैशन इज एक्टिंग, देन इट कैन बी थिएटर, मूवीज, इट इज सीरियल, मैं मजा मैं एक्टिंग में देती हूँ, लोगों को मजा कराने में मुझे भी मजा आता है। तो ये हाउसवाइफ नहीं होता तो ये किस तरह से हुआ, मतलब ये प्ले आप तक किस तरह से आया, क्या और आपने ये प्ले क्यों सिलेक्ट किया? मतलब क्योंकि मैं कब से ढूंढ रही थी कोई प्ले, ऐसा प्ले चाहिए मुझे जो मैसेज भी दे और लोगों को एंटरटेन भी करे, और मुझे लेडीज के लिए कुछ करना था, तो ऐसा कोई मैं हमेशा रोल देखती हूँ कि हम लेडीज कैसे हमारी अपने आप को हम अच्छा हमारी लाइफ हम बना सके, तो ये प्ले जब मैंने पढ़ा तो मुझे ऐसा लगा कि इसमें है जो हाउसवाइफ जो नॉर्मल जिंदगी जी रही है तो वो कैसे अपने आप को एक्सप्लोर कर सके, अपने आप को एक्सप्रेस कर सके, तो वो सब ये प्ले में मुझे मिला, इसलिए मैंने बोला कि ये करते हैं, क्योंकि एंटरटेनमेंट के साथ इसमें हमारे लिए कुछ है सीखने जैसा भी है, हम लेडीज के लिए, पुरुषों के लिए भी, जेंट्स के लिए भी इसमें सीखने के लिए है कुछ। और किस तरह से रिलेट करती हैं जब आपने ये हाउसवाइफ? सब रिलेट करेंगे, हाउसवाइफ नहीं सब लेडीज रिलेट करते हैं, सिर्फ हाउसवाइफ नहीं, मैं तो लेडीज को बताती हूँ कि लेडीज जो जिंदगी हम लोग जीते हैं हमारे साथ जो होता है वही हमने ये प्ले में दिखाया है, कॉमन जनरल चीज है, हम जो इंडियन इंडिया की हम जो लेडीज है वो ही है इसमें हमने दिखाया, फिर ऐसे जरूरी नहीं हाउसवाइफ है, हाउसवाइफ मतलब शादीशुदा है तो उसकी लाइफ थोड़ी अलग होती है, बाकी लेडीज की तो लाइफ ऐसी है हम लोग सबकी, वी आर ऑल सेम। बिग स्क्रीन पे श्रीदेवी जी की इंग्लिश विंग्लिश ने वो भी हाउसवाइफ का ही रोल था उनका, काफी धमाका मचाया था और एक हाउसवाइफ के जो प्रॉब्लम्स है वो दर्शाया था, अनुपमा जब भी स्मॉल स्क्रीन पे आया तो उसके भी जो प्रॉब्लम्स थे अलग रीत से बताया तो वो भी काफी धमाका उसका उसने मचाया था उस सीरियल में। अब क्या हाउसवाइफ नहीं होता तो ये थिएटर इंडस्ट्री में धमाका मचाएगा? क्यों नहीं मचाएगा भाई, हम भी धमाका ही मचाएंगे, श्रीदेवी जी और ये अपना अनुपमा उनके पीछे पीछे हम भी है भाई, थिएटर भी चालू ही है, हम भी धमाका मचाएंगे फुल फटाक, लोगों को एंटरटेन मजा बस। सो ये कम्प्लीटली मैसेज ड्रिवन प्ले है, ये औरतों को एक सेल्फ कॉन्फिडेंस और उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा ऐसा? नहीं, कॉन्फिडेंस बूस्ट मतलब औरतों में कॉन्फिडेंस है, सिर्फ उसे पता नहीं है कि है, जब उसके सामने जब सिचुएशन आता है तब उसको अचानक पता चल जाता है ये तो मेरे अंदर था मुझे मालूम ही नहीं था, तो ये हम लोग दिखा रहे हैं कि आदमी के अंदर सब होता है, तो स्त्रियों लेडीज के अंदर सब है, सिर्फ वो ढूंढने की जरूरत है, तो इसमें हमने विद कॉमेडी ये सब हमने दिखाया है, ये सब चीजें हमारे लिए हम लेडीज के लिए। हम ऑलरेडी एक प्रोग्रेसिंग एज में, एक सोशल मीडिया एज में रह रहे हैं जहाँ पे इक्वालिटी की बातें हो रही हैं, ऑलरेडी वो चल रहा है, तो क्या उस टाइम में इस टाइप का प्ले जहाँ पे हाउसवाइफ के बारे में हम बात कर रहे थे तो लगता है कि कहीं ना कहीं अभी भी समाज में, कहीं ना कहीं सोसाइटी में अभी भी एग्जिस्ट करता है, औरतों को दबाया जा रहा है और अभी भी वैसा ही है, और इसके लिए ऐसे टाइप के प्लेज या देखो हमें कोई अगर दबाना नहीं चाहता है तो हम नहीं दबेंगे, मैं इतना मानती हूँ, तो मुझे नहीं ऐसा लगता है, वी हैव टू, दैट इज वही तो हम कह रहे हैं कि किसी को दबाने क्यों देते हो भाई, आप हमारे अंदर शक्ति है, इसलिए देखो शक्ति हमेशा नारी शक्ति ही बोला जाता है, इसका मतलब क्या है, पावर, पावर नारी में जो है वो किसी और में नहीं है, तो इसलिए मैं तो मानती हूँ नारी सब सब शक्तियों से भरपूर है, तो हमारे में वो कोई आके हमको क्यों दबाएगा भाई, हम दबाने देंगे ही नहीं, हम जिंदगी फ्रीली जिएंगे, हम तकलीफ नहीं सहेंगे, किसी को भी तकलीफ नहीं देंगे, वो भी हमें देखना पड़ता है, हम खुश दूसरे को भी खुश, हम खुश और दूसरे को दुखी क्यों करने का, हम खुश हैं तो दूसरों को भी हम खुश रखेंगे, है ना। और जिस तरह से यहाँ पे बताया है कि मेल ईगो के बारे में,
तो एक प्रोग्रेसिंग 21st सेंचुरी है, कहीं ना कहीं स्टिल मेन की जो मतलब पुरुष वर्ग है उनका ईगो कहीं ना कहीं प्रोग्रेस नहीं कर पाया है। जमाना प्रोग्रेस हो गया है लेकिन अभी भी मेल ईगो कहीं ना कहीं वहीं ठहरा हुआ है, ये भी उसमें ऐसा कहीं ना कहीं प्ले दिखाता है। मेल को भी हम क्या बोलेंगे, वो पैदा ही वो उसको हम ऐसे ही बड़ा करते हैं। हम कहा हम अगर ऐसा सेम रखे, भाई दो बच्चे हैं, एक शरीर इसका फीमेल का है और शरीर है ये मेल का है, तो वो हमारा डिफरेंस हमेशा रहेगा कि मेल बॉडी है फीमेल बॉडी है वो अलग रहेगा, लेकिन अंदर से तो सब सेम है हम। तो ये मेल ईगो तो फीमेल ईगो भी आ जाता है, ऐसा भी नहीं है कि हम बोलेंगे फीमेल ईगो नहीं, फीमेल को भी कभी कभी ऐसा ईगो उसको भी ऐसा लग जाता है कि मैं ये ऐसी हूँ, तो वो तो रहेगा। हम किसी को हम कैसे बोल सकते हैं सिर्फ मेल को है, नहीं फीमेल को भी ईगो रहता है ऐसा। और ये आप जिस तरह से थिएटर में विमेन ओरिएंटेड रोल्स मतलब जो स्त्रियों के ऊपर है, आपको लगता है और ऐसे टाइप के रोल्स आने चाहिए, या फिर जैसे कि स्मॉल स्क्रीन में ज्यादा जैसे कि औरतों के ऊपर बहुत सारी कहानियां बनती हैं, तो थिएटर में भी और उसके ऊपर बननी चाहिए या ऐसा जरूरी नहीं है? देखो मैं औरत हूँ इसलिए मैं औरत ड्रिवन प्लेस मैं लेती हूँ, क्योंकि मुझे पावरफुल कैरेक्टर्स अच्छे लगते हैं और मुझे वो कैरेक्टर जो सुपरमैन जैसे होते हैं, जो विक्टिम होते हैं लेकिन वो लोग उसमें से निकल सकते हैं, तो ऐसे प्ले मुझे बहुत मजा आता है उसमें कि पावर कैसे वो अपना निकाल सकते हैं। तो औरतों के लिए भी उतना ही जगह है, जेंट्स जब जेंट्स करते हैं तो उनको भी बहुत अच्छे अच्छे प्लेज होते हैं जिसमें जेंट्स मेन रोल रहते हैं और बहुत उनको लोगों को वो मजा कराते हैं, तो दोनों के लिए है, दोनों के लिए चांस है, अपने को दोनों को एंटरटेन कराना है। भाई हमारे प्ले जेंट्स भी देखने आते हैं तो उनको भी तो मजा आना चाहिए, हमारे ये मेरा जो प्ले हाउसवाइफ नहीं होती तो दोनों को मजा आता है, जेंट्स को भी उतना ही मजा आ रहा है और लेडीज को भी आता है और बच्चों को भी आता है, यहाँ बच्चों को भी मजा आ रहा है, ऐसा प्ले है ये सभी के लिए है। सभी के लिए हम कैसे अभी हमारी इच्छा है कि सब आए प्ले में, आए सब अपने बच्चों को लेकर आए तो सब आएंगे तो उतना मजा और आएगा, मजा हमको भी आता है एज एक्ट्रेस, भाई हमारे सामने ऑडियंस बैठी है मजा कर रही है तो हमको ज्यादा मजा आता है। किस तरह का रिस्पांस मिला है अब तक जो प्रीमियर होने के बाद? बहुत अच्छा, पीपल आर एंजॉयिंग इट, बहुत मजा कर रहे हैं लोग आके, मुझे बहुत लोग मिलके बताते थे कि अरे बहुत मजा आया, बहुत मजा आ रही केक की बेन, बहुत मजा आ रही, बस तो ये मेरे लिए मेरा तोहफा है, लोग आके मुझे बोले कि मजा आया, बस सफल हो गया। और क्या एक्सपेक्टेशंस रखेंगे किस तरह से ये और चले और कितना कैसा चलता है प्लेस चलते हैं, ऐसा नहीं हम लोग सब जगह जाते हैं, हम लोग गुजरात जाते हैं पूरा, हम लोग जहाँ भी हमें लोग बुलाएंगे हम जाते हैं, फिर हम लोग फॉरेन में भी हमारे बहुत सारे गुजराती ऑडियंस है तो वहाँ जाते हैं, अमेरिका है, दुबई है, लंदन है, सब जगह जहाँ पे हमारे गुजराती ऑडियंस है हम जाते हैं, हम उनको हमारा ये संदेश है हमारी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री वहाँ तक भी हम लेके जाते हैं, तो मेरे ये प्लेस जरूर सब जगह आएगा, आप हमें बुलाएंगे हम सब जगह आएंगे। और आप इस प्ले के साथ में कुछ एकदम जो काम करते टाइम जो मेमोरेबल एक्सपीरियंसेस होते हैं वो शेयर करें हमारे साथ में? मेमोरेबल तो बहुत रहता है, आपको मालूम नहीं हम लोग जब रिहर्सल करते हैं जो एक महीना हमारी जो हालत है, एंड तक हमको ऐसा लगता है ये प्ले होगा कि नहीं, और पता नहीं क्या होता है जब हम स्टेज पे आते हैं समहाउ सब चीजें अच्छी हो जाती है और सब बढ़िया हो जाती है, तब हमें लगता है कि यार हम लोग काम कर रहे हैं, ऊपर वाला सब करवा रहा है, सचमुच हमें ऐसा है। तो ये प्ले में ऐसे मेमोरेबल तो इतने एक्सपीरियंस होते हैं जहाँ पे मुझे ऐसा लगता है मेरे से होगा नहीं, मैं भाग जाऊँ और फिर मैं बोलती हूँ नहीं 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 होगा होगा होगा, वापस आती हूँ वापस करती हूँ, तो ये थिएटर की यही मजा है, समझे? आप थिएटर इंडस्ट्री में काफी सालों से एक्टिव है तो आप किस तरह से अपनी जर्नी को देखते हैं इस इंडस्ट्री में और कितना आगे और किस तरह से जाना चाहती हूँ? देखो मैंने कभी प्लान नहीं किया था, मुझे शौक था थिएटर का तो मैं बचपन से मैंने किया, बिकॉज मेरी मदर थिएटर में थी, सरिता जोशी बहुत बड़ी एक्ट्रेस तो वो ऑलरेडी थी, तो हम लोग को जरा इजी हुआ सब, उनको देख देख के हम सीख गए और तब से हम काम कर रहे हैं, तो अभी भी मैं करती हूँ, मैं सीरियल्स भी करती हूँ, फिल्मों में भी करती हूँ और थिएटर में तीनों करती हूँ, तो जब भी मुझे ऐसा लगे कि हाँ अभी थोड़ा थिएटर कर लेते हैं, भाई चलो ये सीरियल अभी फिर थिएटर किया, फिर मुझे लगता है चलो अभी सीरियल में अच्छा रोल आया तो मैं उधर चली जाती हूँ, तो मैं ज़्यादा प्लान नहीं करती हूँ, मेरे पास जो आता है काम मैं देखती हूँ इसमें मज़ा आएगा तो मैं करती हूँ, नहीं आएगा तो नहीं करती हूँ, बस प्लान क्या करना है, जिंदगी प्लानिंग से कहाँ चलती है, हमारी प्लानिंग से नहीं चलती, बाकी तो चलती होगी। और आप अपनी बेटी के साथ में रिद्धि दवे वो भी काफी एक्टिव है थिएटर में तो उनके साथ में कभी कोई प्ले मेरी बेटी एक्टिव ऑफ कोर्स थी, हमने प्ले शुरू की
किया था हमने, आई थिंक जब आपने और उन्होंने वो प्ले था मेरा, डिग्री मम्मी 20 20 डिग्री 40 40 मम्मी 20 डिग्री 40 ने हमारा प्ले था, साथ में हम लोग ने एक प्ले किया था, फिर उससे भी बहुत सारे प्लेस किए, पर धीरे धीरे अब उसको अभी बेटा हुआ है तो अभी थोड़ी वो बिजी है, अभी वो ड्रामा में नहीं कर रही है, बाकी जब टाइम आएगा तो उसको करना है तो करेंगे वापस। और आप अपनी मम्मी के साथ में सरिता जी के साथ में ये ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट पे काम तो कर रहे हैं, थिएटर में आप लोग साथ में आने का कोई प्लानिंग है? देख करेंगे, डेफिनेटली हम लोग ढूंढ रहे हैं, मम्मी और मैं दोनों, कुछ अच्छा मिला तो डेफिनेटली हमारी बहुत इच्छा है साथ में काम करने की। पहले हमने किया था एक दो प्लेस साथ में, हमने पहले बहुत पहले किए थे, अभी हम देखेंगे चांस कुछ मिला तो हम कर लेंगे। अच्छा, लास्टली हाउसवाइफ नहीं हो तो इसकी एक विशेषताएं बताइए दर्शकों को, ये क्यों देखना चाहिए और ये कितना अच्छा है, कितना यूनिक है? देखो ये प्ले ऐसा है आपके लिए बनाया हमने, यूनिक ये यही है कि आपके लिए ये प्ले है, मैंने मेरे लिए नहीं बनाया, मैंने मेरे ऑडियंस के लिए बनाया, मुझे ऐसा लगा कि मेरे ऑडियंस को इसमें मजा आएगा इसलिए हमने ये प्ले बनाया, तो यही उसकी यूनिकता है ये। और बाकी हमारे एक्टर्स सब बहुत अच्छे हैं, उसमें ड्रामा है और डांस है और इमोशंस है, सेट हमारा है, तीन सेट है हमारे अलग अलग, तो ये और बहुत बाकी एक्टर्स भी बहुत अच्छे हैं, तो यही हमारी प्ले की यूनिकनेस है, तो लोग मजा कर रहे हैं, तो आप और आइए और हमारे प्ले को एंजॉय कीजिए। ओके, थैंक यू, थैंक यू।